राम मंदिर डाक टिकट पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले स्मारक डाक टिकट राम मंदिर पर जारी किया और अब प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी सामने आया है। डाक टिकट जारी करने के बाद देशवासियों को संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कुछ देर पहले स्मारक डाक टिकट जारी किया, ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की गई है। 6 डाक टिकट में, जिसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी है। अब 48 पेज की एक किताब है। 20 देश के डाक टिकट इसमें शामिल किए गए हैं, जिसे एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक में सूर्य की किरणों और चौपाई की सोने की पत्ती भी मौजूद है। तो ये पुस्तक भी जारी की गई है। राम मंदिर, गणेश, हनुमान, जटायु, केवट पर ये डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। जो पुस्तक है वो 48 पेज की बताई जा रही है। 20 देश के इसमें डाक टिकट भी मौजूद हैं, जो कि प्रतीकात्मक स्वरूप हैं। और ये जो स्मारक डाक टिकट है, उसकी विशेषता ये है कि इसमें सभी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्या संदेश दिया। नमस्कार, राम राम। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना, लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी,
इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करते हैं। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। इस काम में डाक विभाग को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मार्गदर्शन मिला है। मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भगवान श्री राम माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली, पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं।